सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। क्या भारत मंदी के शिकंजे में लगातार कसता जा रहा है? क्या देश के भीतर आने वाले समय में हालात और खराब होंगे? क्या सरकार को आर्थिक नीतियों के लिहाज से जिस तरीके से फैसले और करने चाहिए या फिर जितना गंभीर होना चाहिए उतनी गंभीर वो है या नहीं? क्या अमेरिका और चीन के बीच में जो आर्थिक टकराव चल रहा है, दुनिया पर जिसका असर पड़ रहा है, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत का जो ग्रोथ रेट है, विकास दर 2019-20 को, उसको 0.3% कम किया है अपने अनुमान में। यानी पहले यह 7.3% था जो अब 7% के आसपास ग्रोथ रेट को कर दिया है अपने अनुमान में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने। कारण क्या है? कारण मोटे तौर पर यह बताया गया है कि पैसे की कमी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए बाजार में मांग नहीं है। मांग नहीं है तो जो सामान जैसे है वो पड़ा हुआ है। अब पड़े हुए सामान के चलते प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, तो यह जो पूरा साइकिल है वो कहीं ना कहीं ठहराव का शिकार होता जा रहा है और इसकी वजह से ही मंदी भारत में आएगी। इसके पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पहले आपको याद हो कि अमेरिका की रेटिंग एजेंसीज़ है मूडीज, उस एजेंसी ने अपना जो अनुमान था भारत के ग्रोथ रेट को लेकर के, भारत में 2019 और 20 में जो विकास दर है वो 6.8% रहेगी, लेकिन उसने उसको घटा दिया 0.6% और 6.2 के आसपास उसने अनुमान को आकर के रखा। वैसे ही अगले साल के लिए 2020-21 के लिए मूडीज ने भारत की विकास दर को 0.6% घटाया, यानी कि वो विकास दर 6.7% के आसपास आ गया जबकि पहले 7.3% अनुमान था मूडीज का भारत की विकास दर को लेकर के। साल 2019-20 की जो पहली तिमाही रही उसमें ग्रोथ रेट 5% रहा है। अगर आप पिछले साल जाएं 2018 में इसी तिमाही में, अप्रैल में जून 2018, तो ग्रोथ रेट था 8%, यानी 3% की गिरावट है। पिछले 6 साल में यह सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रही है भारत की, इसलिए चिंता लगातार बनी हुई है। और आने वाले वर्षों में 2020-21 में चूंकि आईएमएफ और मूडीज जैसी एजेंसी ने भी ग्रोथ रेट को अपने पहले के अनुमान से कम कर दिया है, इसलिए लगता है कि आगे आने वाले साल में भी मंदी या फिर देश में आर्थिक संकट बना रहेगा और यह चिंता का कारण है। इसकी वजह से जो अभी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, स्टील है, चमड़ा है, इनमें मंदी है, बहुत सारे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट लगातार कम होता जा रहा है, मांग भी कम होती जा रही है। कुछ सेक्टर्स का हाल मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है 21 साल में सबसे कम बिक्री जो है गाड़ियों की इस बार हुई है, यानी कि 1998-97 में अगस्त में जो बिक्री थी कमोबेश उतनी बिक्री इस बार हुई है। 20-21 साल में सबसे कम बिक्री हुई है इस सेक्टर में, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और यह आंकड़ा कहता है कि वाहनों की बिक्री में 23.55% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसी गिरावट 2000 के दिसंबर में देखने को मिली थी जब 21.81% की गिरावट हुई थी। अब निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान चेन्नई में दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा था कि ऑटो सेक्टर में जो स्लंप है, यानी कि गिरावट है, वो इसलिए है कि लोग ऊबर और ओला की सर्विस लेने लगे हैं और इसकी वजह से लोग गाड़ियां खरीदना कम पसंद करते हैं। ईएमआई दें, उससे बेहतर ये है कि ओला और उबर को पैसे दे करके वो सफ़र कर लें, आप जहाँ जाना है वहाँ चले जाएं। इस बात को लेकर के बहुत एतराज़ हुआ था और बाद में उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना था कि हाँ, मंदी का दौर है, बहुत सारे सेक्टर में असर पड़ा है इसका। लेकिन सरकार को जितना संजीदा होना चाहिए, आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि सरकार उतनी संजीदा दिख नहीं रही है। आने वाला वक्त जितना संकट या चुनौतियों से भरा पड़ा है, सरकार को उसी तरीके से अपनी कमर कसनी चाहिए थी, जो कि ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। अगला सेक्टर जो है वो स्टील सेक्टर है। स्टील सेक्टर में भी
जिसकी बात हमने की कि ऑटोमोबाइल में जब असर पड़ेगा तो स्टील सेक्टर में भी असर पड़ेगा, गाड़ियों की मांग कम होगी तो स्टील की भी मांग कम हो जाएगी। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर जहां की स्टील की मांग होती है वहां भी मंदी है, फ्लैट खड़े हैं और लोग खरीदार नहीं हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए फ्लैट बहुत सारे खड़े हैं। और एक अनुमान ये है कि पूरे देश में 80 लाख से ज़्यादा फ्लैट बने पड़े हैं और उनको खरीदने वाला कोई नहीं है, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर में भी स्टील की मांग कम हुई है, गाड़ियों की मांग कम होने से स्टील की मांग कम हुई है, तो इस सेक्टर में भी लगातार मंदी आती जा रही है और यह सेक्टर भयंकर हालात का सामना करने लगा है। टाटा के बारे में ये कहा जाता है कि टाटा के पास स्टील की मांग पिछले 26 महीनों में सबसे कम रही है। इसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर यानी कि कपड़े का सेक्टर, इस सेक्टर में कहा यह जाता है कि 10 करोड़ लोग यानी खेती के बाद सबसे ज़्यादा कहीं लोग जुड़े हुए हैं तो इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़े से। और 20 अगस्त को आपको याद होगा कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक विज्ञापन छापा था, यह विज्ञापन जो था वो उत्तर भारत टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की तरफ से था और उसने निटमा ने ये कहा था कि भारत का स्पिनिंग उद्योग बड़े संकट से यानी कि जो सूत कताई होती है बड़े संकट से गुजर रहा है जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उत्तर भारत में जो ये निटमा है उसके मुताबिक एक बड़ी तादाद है, लगभग लाखों की तादाद है, अनुमान ये लगाया गया था कि 25 से 50 लाख के बीच लोग बेरोजगार हो सकते हैं, उसमें से एक संख्या है जो बेरोजगार हो चुकी है और यह संकट इस सेक्टर में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कहा यह गया कि एक तिहाई जो धागा मिले हैं वो बंद हो गई हैं और जो चल रही हैं वो घाटे में चल रही हैं, इसलिए बंद होने के कगार पर वो भी मिले हैं, यह संकट है। चमड़ा उद्योग, यह जो जूते बनते हैं बाहर से बहुत सारी डिमांड होती है और हमारे देश के भीतर बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं चमड़ा से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज़ जो बाहर के बड़े बड़े ब्रांड्स को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, यानी ब्रांड्स बाहर के हैं बना करके यहाँ से जाता है उनके उनके ब्रांड्स के तहत और फिर वो दुनिया के तमाम हिस्सों में बिकता है। जूता के सेक्टर में ये कहते हैं कि अगर पहले डिमांड 40,000 जूते बनाने की थी तो अब वो 18,000-19,000 के आसपास 50% से भी कम डिमांड आने लगी है और इसी लिहाज से जो लोग काम करने वाले हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, मशीनें जितनी काम कर रही थीं उनमें से ज़्यादा मशीनें बंद हो गई हैं। अब एक कहा यह गया कि 1,000 जूता कोई जो जूता कंपनी का मालिक है वो कह रहा था कि हम रोज़ बना रहे हैं जबकि पहले हम 2,500 से ज़्यादा बनाते थे, 2,400-2,500 बनाते थे, तो अब देखिए कि लगभग 40% पर आकर के प्रोडक्शन का काम रुक गया है। और इसी तरीके से एक कोई दूसरे व्यापारी हैं, उनका कहना ये है कि 24 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है इस सेक्टर में, जूता इंडस्ट्री में, चमड़ा उद्योग में, और 24 लाख लोग अगर यहाँ काम करते हैं और इंडस्ट्री बंद होने लगती है, मशीनें रुकने लगती हैं, डिमांड कम हो जाता है तो लाजमी है कि बेरोज़गारी बढ़ेगी। यह जो जूता इंडस्ट्री है लगभग 6.25 अरब का फॉरेन जो करेंसी होती है वो लेकर के आती है देश में, यानी कि एक्सपोर्ट करती है 6.25 अरब के आसपास का। अगर डिमांड कम होने लगा है और यहाँ प्रोडक्शन कम होने लगा है तो फिर फॉरेन करेंसी यानी एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट का कम होना, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, मांग का कम होना और लोगों के पास पैसे की तंगी का होना, यह पूरी एक ऐसी स्थिति है जो आने वाले एक अजीब सी स्थिति का इशारा कर रही है, संकट का इशारा कर रही है, इसको भी सरकार को समझना बहुत ज़रूरी है। और IMF की जो अभी की रिपोर्ट है जिसमें उसने अपने अनुमान में भारत के विकास दर को कम किया है वो भारत की सरकार के लिए भी एक संकेत है, खतरे की घंटी है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।